नमस्कार, आज मैं आप लोगों को पोटेंशियल मीटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आप किसी भी वॉल्यूम का कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हो। किसी भी, जैसे एम्पलीफायर हो गया, कारियोस भी हो गया, जो होम थिएटर हो गया, टावर हो गया, किसी चीज़ में अगर आपको जो है वॉल्यूम का कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, या 6283 बोर्ड हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये 100K है, B100K जो पोटेंशियल मीटर है, जो कि ये डबल चैनल का है। और दोस्तों, अभी इसका हम कनेक्शन करके आप लोग को दिखाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले ये ग्राउंड जोड़ लेना है, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक वायर। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों देखिए, दोस्तों एक रेड कलर का वायर बीच वाले पिन पर लगा लेना है, जो कि ऑडियो पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। ऑडियो इनपुट होगी यहाँ से, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों हमारा हो गया ऑडियो इनपुट, आप लोग देख सकते हैं, बीच वाले पिन से निकाल रखे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, आपको जो है ये जो डबल यूएसबी का ब्लूटूथ पैनल है, आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसी से कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और इसमें दोस्तों RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन होता है, जो कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होता है जो RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन। उसके बाद जो है ANT लिखा होता है, जो कि एंटीना होता है दोस्तों। और इसको हमें जो RL लेफ्ट राइट का होता है, जो इनपुट का कनेक्शन होता है, इस तरीके से हमें लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, तीन वायर मैंने इस तरीके से लगा लिया है, और इसका अभी हम कनेक्शन करके देखिए दोस्तों। तीन वायर मैं निकाल रखा है, एक जो है RL लेफ्ट राइट का इनपुट है, और एक दोस्तों बीच वाला ग्राउंड है, और उसके बाद दोस्तों ये जो है R हो गया, L हो गया, और बीच वाला ग्राउंड हो गया दोस्तों। और इस तरीके से हमें क्या करना है, बीच वाला जो है ग्राउंड है दोस्तों, हमें बीच वाला इस पे लगा लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये जो आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लैक वाला जो वायर लगा हुआ है, उसको यहाँ पे लगा लेना है। और दोस्तों, अब रह गया है ये दो तार, आप लोग देख सकते हैं, ये दो वायर रह गया है, जो कि RL है, जो इसमें यहाँ पे इनपुट कर देना है। देखिए दोस्तों, अब ये जो है लेफ्ट और राइट का जो है इस पर इनपुट कर देना है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको आसानी से जो है निकाल लेना है, इस तरीके से वायरिंग कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं एकदम आसानी। अब रह गया है दोस्तों, ये IC के इनपुट पे जाएगा, जो कि यहाँ एक ग्राउंड है और दो ये जो है ऑडियो का है, कलर का है। अब दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 6283 बोर्ड है, और इसमें मैंने एक कनेक्टर लगा रखा है जो DC 12 वोल्ट का। और अब हम इसको इसमें कनेक्शन करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, इसको क्या करना है, ये ग्राउंड पे कर देना है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे ये ऑडियो है हमारा, जो है दो रेजिस्टेंस लगा है, जो कि 10K रेजिस्टेंस लगा है, उस पर हमें ऑडियो पे कर देना है ऑडियो इनपुट। यहाँ से ऑडियो मिलेगा इसको, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिल गया। अब दोस्तों हमारा ये देखिए दोस्तों, स्पीकर का है ये हमारा, ये जो मैंने चार वायर निकाल रखा है ये स्पीकर, क्योंकि दोस्तों ये डबल चैनल का है, तो दोस्तों इसीलिए हमें दो स्पीकर निकालना होगा, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें दो स्पीकर लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने एक ट्राइस्टर लगा रखा है जो 7805, और इससे हम 5 वोल्ट की सप्लाई निकाल रखे हैं, जो कि हम कार्ड ऑन करेंगे इससे। तो अभी हम इसको फटाफट दो स्पीकर लगाते हैं, उसके बाद आप इसको चला के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दो स्पीकर इसमें लगा रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम इसमें 12 वोल्ट लगाते हैं, और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने 12 वोल्ट लगा दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा ऑडियो आ रही है कि नहीं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ऑडियो आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें लगाएंगे, जो ऑडियो जो है RL लेफ्ट राइट का, और दोस्तों इसमें लगाएंगे 5 वोल्ट का कनेक्शन। देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ पैनल ऑन हो गया। अब दोस्तों, इसको हम एक बार चला के आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन हो गया। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें USB लगाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने USB लगा दिया।
दोस्तों इसको हम वायलिन को घुमाएंगे। देखिए दोस्तों, दोस्तों इस तरीके से आप जो है वॉल्यूम का कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी सेट में आपको करना है आप इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन जो इनपुट होता है इस तरीके से इसके साइड वाले पिन पे दे देना है, जो कि इसके इस तरफ का। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं और आप लोग इसकी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों बहुत आसान तरीके से बताया है, जो कि आप लोग को इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको किसी भी जो है सेट में आप वॉल्यूम का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जो कि जैसे आप एम्पलीफायर हो गया जो 44-40 वोल्ट होता है हर किसी में दोस्तों, इसी तरीके से होगा वॉल्यूम का कनेक्शन। आप लोग देख सकते हैं एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।